नॉर्मली मैं अपनी पर्सनल बातें किसी को बताती नहीं, पर यहाँ बताऊँगी ताकि आप लोगों को पता लगे कि मुझे वीडियोज़ अपलोड करने में कितनी दिक्कत हो रही है। इतने दिन रिलेटिव के घर पे परेशान थी तो वीडियोस नहीं बना पाई। अभी एक रूम मिला है पर इतना महंगा है कि मेरी हालत ख़राब हो गई है, पर कम से कम एक्स्ट्रा रूम मिला कि वीडियोस बना सकूं। अभी देखती हूँ इस एरिया में नेटवर्क ही नहीं है, रूम के एक कोने में इंटरनेट है वो भी घटिया वाला स्लो। अब शायद मुझे मेन रोड में जाके वीडियोज़ अपलोड करनी पड़ेगी। ऑलरेडी बहुत कुछ बुरा होने लगा है, अब ये सब भी। बस ये यूट्यूब चैनल ही मुझे सुकून दिया करता था, वो भी धीरे धीरे जाने लगा है। एनीवेज़ जान जा रही है पर वीडियोज़ डालना बंद नहीं कर सकती, तो स्टार्ट करती हूँ। आखिरी बार जूलिया को पुलिस ले जा रही थी, तब वो पुलिस से कहती है कि डोगन कातिल है, मैं नहीं। पुलिस एनीवेज ले जाती है उसे। वो गाड़ी में पुलिस से कहती है कि मुझे अपने वकील से बात करनी है। पुलिस कराती है। जूलिया अपने वकील हकान से कहती है कि डोगन ने मुझे फंसा दिया, आपसे मैंने जो कहा था वो करे। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जूलिया ने हकान से कहा था कि कल अगर मेरा प्लान काम ना आया तो इस आदमी को कॉल करना, ये मेरी हेल्प करेगा। जूलिया अपने वकील को पुलिस स्टेशन आने कहती है। वैसे बता दूं कि जूलिया को एंगिन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इधर सब इकट्ठा हुए हैं और यिल्डिज़ ने ड्रेस चेंज कर लिया, यानी शादी नहीं होगी अभी। सब हैरान होते हैं कि जूलिया ने एंगिन का कत्ल क्यों किया। हानदान अपने भाई के साथ इंसाफ होने से खुश है। डोगन और यिल्डिज़ भी बताते हैं कि उन्होंने कैसे ये सब प्लान किया। एनीवेज सब जाने लगते हैं और यिल्डिज़ आलिया को पकड़ के कहती है कि मेरे साथ किया हुआ डील पूरा कौन करेगा। आलिया को घसीट के ले गई घर, उसके बाद अपने रूम में जाके अपने हेयर्स कर्ल करने लगती है, यानी ऐड देने लगी इस कर्लर का। ये कर्लर आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर रेडियो के बाहर आती है आलिया से बात करने। आयशा के हाथों आलिया के साथ बच्चों जैसी तस्वीरें लेती है और आलिया को सोशल मीडिया में डालने कहती है, विद कैप्शन माय वर्ल्ड माय सपोर्ट वगैरह वगैरह। इनफैक्ट वो आलिया से कहती है कि जैनब के साथ मेरे लिए सरप्राइज बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज करो। आलिया कहती है, तुम सरप्राइज होने का नाटक करोगी? यिल्डिज़ कहती है, हाँ। इधर आमिर यिल्डिज़ से कहते हैं, जूलिया जो करने वाली थी वो तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है ना? यिल्डिज़ कहती है, याद मत दिलाओ, खालिद की रंगीन शादी की बात हो रही है यहाँ। यिल्डिज़ जैनब से कहती है, तुम्हारा और आता का क्या चल रहा है? जैनब कहती है, कुछ नहीं हो सकता, उसके आसपास खूबसूरत लड़कियां मंडरा रही है। यिल्डिज़ कहती है, तो क्या हुआ, तुम लोगों को निकाल फेंको। आमिर कहते हैं, रशियन लड़कियां काम करती है उसके घर। सादिक कहते हैं, क्या कहा, रशियन? सादिक का ईमान डोल गया। जैनब कहती है, मेरा कोई स्कोप नहीं है। यिल्डिज़ कहती है, स्कोप है आमिर और सादिक, तुम्हारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है पता है ना? जाओ आता को चेक करो। ये लोग कहते हैं, ठीक है। सादिक कहते हैं, रशियन लड़कियां होंगी ना? आमिर कहते हैं, हाँ। यिल्डिज़ कहती है, सादिक मार पड़ेगी तुम्हें। ये लोग भाग जाते हैं। यिल्डिज़ कहती है, इसलिए मुझे लड़के पसंद नहीं, पर अफसोस मेरा एक बेटा भी है। यिल्डिज़ जैनब से कहती है, आलिया के साथ मिलके मेरे लिए बैचलर पार्टी का इंतजाम करो। जैनब कहती है, तुम तो नहीं चाहती थी ना? यिल्डिज़ कहती है, शायद ये मेरी आखिरी शादी हो तो इसलिए अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ, हालांकि डोगन को सख्त मनाही है पार्टी करने से। इधर नदीदे आई है और ये लोग ऐसे मिलते हैं। नदीदे बताती है कि नादी ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। आलिया कहती है, क्या कहा था मैंने, हाँ क्या कहा था, सब मेरी वजह से हुआ। हानदान फटाफट आके कहती है कि आलिया ने मुझे इस्तेमाल करके तुम्हारे भाई और उसकी वाइफ के बीच ब्रेकअप करवाया। आलिया कहती है, ऐसा नहीं है। हानदान कहती है, इसने मुझसे कहा कि अमीर जवान और हैंडसम आदमी है और मैंने जाके देखा कि आपका भाई बैठा हुआ है। आलिया कहती है, यानी तुम कहना चाहती हो कि इसका भाई हैंडसम नहीं है? नदीदे कहती है, मेरा भाई लाखों में एक है, ठीक है। एनीवेज हानदान अड़ी हुई है कि उसे उल्लू क्यों बनाया गया। नदीदे धीरे से कहती है कि क्या इसे पैसे चाहिए? आलिया कहती है, इसे गाड़ी चाहिए होता है। नदीदे कहती है, हानदान डियर मैं तुम्हें गाड़ी दूंगी, अब खुश? हानदान कहती है, मैं हानदान के लिए छू, मुझे गाड़ी क्यों चाहिए, मुझे तुमसे शुक्रिया चाहिए और आलिया से माफ़ी। आलिया और नदीदे थैंक्स और माफ़ी मांग लेते हैं और नदीदे कहती है, मेरे गांव चलते हैं ना एक दिन, खातिर करूंगी। हानदान दिखाती है कि वो मान गई। नोटिस करना, यहाँ पे सब ने गोल्डन ज्वेलरी पहनी है। इधर ये तीनों आता के घर आते हैं और दरवाज़ा खुलते ही इनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि सामने रशियन मॉडल खड़ी है। पीछे से एक और नई मॉडल हेलो करके जाती है। कुंवर किसी तरह कंट्रोल करके कहता है, आता अंदर है क्या? लड़की कहती है, आता सर अंदर है। कितनी क्यूटनेस के साथ बोल रही है कि आता सर अंदर है। कुंवर कहता है, और नहीं तो क्या बोलती। अंदर जाके देखते हैं कि दूसरी मॉडल आता का सर दबा रही है। ये लोग आता से अकेले में पूछते हैं कि क्या ये लड़की तुम्हारी मसाज गर्ल है? आता कहता है, नहीं, ये मेलिस की नैनी है, पर सर दबाती है तो सर दर्द ठीक हो जाता है। ये लोग पूछते हैं, तो वो वाली लड़की कौन थी? आता कहता है, ये मेरी असिस्टेंट है। कुंवर कहते हैं, तुम मॉडल्स में घिरे हुए रहते हो। आता कहते हैं, मेलिस के लिए अच्छा है ना, क्योंकि वो रशियन सीख लेती है। आमिर कहते हैं, अगर तुम किसी दिन सीरियस रिलेशनशिप में गए तो इन मॉडल्स का क्या होगा? आता कहते हैं, समझा नहीं। सादिक मॉडल्स के नशे में कहते हैं, तुमने तो घर को हरम बना रखा है। आता कहते हैं, ओ यानी उस सेंस में बात कर रहे हो, ये तो बेवकूफ़ी है ना। कुंवर कहते हैं, इमेजिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड को घर ला रहे हो और वो अंदर आके देखती है कि मिस वर्ल्ड 2021, 2022, 2023 घूम रही है, तो वो क्या सोचेगी? रिश्ता लंबा नहीं जाएगा ना। आता कहते हैं, हाँ बात तो सही किया तुमने। सेतलाना जूस लेके आती है और इन दोनों को देखो। सादिक कहते हैं, मुझे तेज सर दर्द हो रहा है, कुछ कर सकते हो? आमिर कहते हैं, देखो हमें आयशा जूस लाके देती है और इनको देखो कितना फर्क है। इधर आसमा यिल्डिज़ को आलिया की पोस्ट दिखाती है।
तस्वीर डाल दिया है उसने अपना और यिल्दिज का, यिल्दिज हैप्पी, पर कैप्शन में उसने लिखा है जो बुराई करे वो फर्जी दोस्त, जो अच्छाई करे वो असली दोस्त। यिल्दिज कहती है ये क्या लिखा है उसने, उसे तो लिखना था तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। जैनब कहती है आलिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हो तुम, वैसे तुम्हें ये सब क्यों चाहिए उससे। यिल्दिज कहती है एनीवेज तस्वीर तो डाली उसने, वही काफ़ी है। इधर आलिया और हानदान में बहस होने लगती है, आलिया भूल गई कि वो हानदान के घर में है, इसलिए बात टाल के कहती है यिल्दिज की बैचलर पार्टी है आज, किसी तरह आज का दिन कट जाए तो बच जाओ। हानदान कहती है क्या यार पार्टी पार्टी, और आज तुमने कैसी तस्वीरें पोस्ट की है। आलिया कहती है यिल्दिज ने ज़बरदस्ती करवाई। हानदान कहती है वो जो कहेगी वही करोगे क्या, इतना फिल्टर लगाया कि नाक गायब हो गई तुम्हारी। वैसे आलिया यहाँ हानदान की पोल खोल देती है, जमाल आईटी वाला बंदा है पर हानदान का असिस्टेंट का काम करता है, तो हानदान फ्री में उससे अपने फोटोज एडिट करवाती है। इधर ये लोग मैच देख रहे हैं, आता कहते हैं कुंवर अगर तुम्हारे आसपास ये मॉडल्स हो तो कोमल जेलस होगी। कुंवर कहते हैं नहीं कोमल ऐसी नहीं है। ये लोग कहते हैं जैसी भी हो प्यार हो तो इंसान जेलस होता है। आमिर कहते हैं अगर मैंने टूशे के साथ अभी किसी को देख लिया तो मैं तो ख़त्म। सादिक और कुंवर कहते हैं चुप कर टूशे टूशे हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं। आमिर आता से कहते हैं जैनब और तुम्हारे बीच शायद कुछ है। आता सीरियस होकर कहते हैं यार मैं जैनब को पसंद करता हूँ हमारी बहुत बनती है। ये लोग कहते हैं जैनब भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही कुछ सोचती है। आता एक्साइटेड हो जाता है, तभी कोमल की वीडियो कॉल आती है कुंवर को। कुंवर दिखाता है कि वो लड़कों के साथ मैच देख रहे हैं, पर तभी पीछे से लड़की आ जाती है और कोमल देख लेती है। अच्छा तभी सोचू बेवजह वीडियो कॉल क्यों किया, ये होना था। कोमल कहती है ये लड़कियाँ कौन है। कुंवर कहते हैं आता की मेड्स है। कोमल कहती है अच्छा तो आता रशिया टॉप मॉडल्स से काम करवाता है, ओके तुम एंजॉय करो ठीक है। कुंवर कुछ समझता नहीं क्योंकि वो तो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो कहता है ओके रखता हूँ। कोमल गुस्से से लाल हो जाती है, कहती है बस भाई कह के कॉल काट दिया। हाँ ठीक है समझती हूँ हम लोगों का अरेंज मैरिज है, पर इस तरह से कौन कॉल काटता है। पर मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, शायद प्रेगनेंसी की वजह से, मुझे किसी से बात करनी है। एसगी को बुला के पूछती है कि मैं अपनी बहन से मिलूंगी, उस घर में वो लोग है क्या। एसगी कहती है हाँ। इधर ये लोग कहते हैं क्यों बेटा कोमल ऐसे नहीं है, पर लगता है तुम्हें अभी डांट पड़ी, कोमल जेलस है। कुंवर कहता है वो क्यों जेलस होगी। ये लोग कहते हैं क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है उससे और उसने वीडियो में देख लिया लड़कियों को। कुंवर खुश होकर कहता है ओह तो कोमल मुझसे जेलस हो रही है, वाओ। ये लोग कहते हैं हाँ बेटे वो जेलस हो रही है। इधर जूलिया अपने वकील से सुनती है कि आसलान गवाही दे रहा है। जूलिया रोते हुए कहती है आसलान से ये उम्मीद नहीं थी। वकील कहता है केस बहुत ख़राब है आपके लिए बुरा हो सकता है। जूलिया कहती है होने दो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आपने उस आदमी से कांटेक्ट किया। वकील कहते हैं हाँ। जूलिया कहती है अब देखो मैं क्या करती हूँ। वैसे आसलान ने सही टाइम पर सही काम किया, अगर वो ऐसा नहीं करता तो टूशे की तरह जूलिया उसे भी धोखा दे देती। इधर कोमल आती है और सबको इग्नोर करती है, सिर्फ हालिद जान और सू से मिलती है। सीजन 6 के स्टार्टिंग में उसने हालिद जान को प्यार से जान जान बुलाया था और हालिद जान ने कुमकुम बुलाया था। इतना दिखावटी था कि इतने एपिसोड्स बाद फिर से दिखाया गया। एनीवेज फिर यूं ही खड़ी रहती है कोमल। ये लोग कहते बैठो नाश्ता कर लो। कोमल कहती नहीं चाहिए बहन से मिलने आई थी। ये लोग कहते कुछ तो गड़बड़ है मूड ठीक नहीं लग रहा। कोमल कहती ऐसा कुछ नहीं है। यिल्दिज कहती बैठो और बक दो जो बकना है। कोमल कह देती है कि कुंवर रशियन लड़कियों के साथ एंजॉय करते हैं। ये लोग एक साथ चिल्लाते क्या। जैनब कहती ज़रूर आता के घर देखा होगा तुमने उसे। कोमल कहती हाँ तुम्हें कैसे पता। आसमा भी पूछती है तो जैनब कहती है मैंने देख रखा है। कोमल कहती है बकवास मत करो। जैनब कहते मैंने खुद देखा है कि रशियन लड़कियाँ उसके घर की मेड्स है। कोमल कहती ओ माय गॉड वो रशियन लड़कियों से काम क्यों करा रहा है। जैनब पूछती है तुम्हें कैसे पता चला। कोमल कहती मैंने कुंवर को वीडियो कॉल किया था। ये लोग कहते ओ वीडियो कॉल। कोमल कहती है क्या ओ। ये लोग कहते जेलस लोग ही वीडियो कॉल करते हैं। कोमल कहती मैं जेलस नहीं हूँ। जैनब कहती है तुमने वीडियो में लड़कियों को देखा तुमसे रहा नहीं गया। यिल्दिज कहती है और तुम जेलस होकर दौड़ी यहाँ चली आई। कोमल पूछती है क्या मैं सच में जेलस हूँ। आसमा कहती है सॉरी कोमल सब ठीक हो जाएगा तुम बैठो यहाँ मिठाई खाओ। और कुछ खाओगी और कुछ चाहिए तो बताना। यिल्दिज कहती है बैठो हम मिलकर इस बात को सुलझाएंगे। और देखो कितनी खातिर करते हैं ये लोग। इधर आलिया और हानदान ड्रेस खरीदते हुए आमने सामने आ गए। एक दूसरे की तौहीन करने का सिलसिला खत्म करने के बाद आलिया हानदान से कहती है उसने कुंवर और कोमल के लिए गिफ्ट खरीद लिया। हानदान शॉक्ड कहती है बताओ ना क्या खरीदा। आलिया कहती है सॉरी नहीं बता सकती। हानदान कहती है मैं मर जाऊंगी अगर तुमने नहीं बताया तो। आलिया कहती है नो नो। हानदान सोचती है मुझे किसी भी तरह इससे बेटर गिफ्ट खरीदना होगा। ओके दिन वीडियो खत्म।